नमस्कार दोस्तों। अभी मैं अपने काम ख़त्म करके आया हूँ और आज मेरे दोस्त का शादी है, तो शादी में जाऊँगा, तो बाल काट नहीं पा रहा था, बहुत बिजी हो गया था कुछ दिनों से, तो आज मैं सोचा कि बाल काट के ही जाता हूँ क्योंकि घर में जाऊँगा, 7 बजे निकलना पड़ेगा, उसके साथ शादी है। तो अभी यहाँ पे बाज़ार में एक अच्छा सैलून है, मैंने सुना है चेन्नई जेंट्स पार्लर है, तो इसमें मैं अपना बाल कटवाऊँगा, तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे सैलून में, तो ये जो भैया है ये बाल काटेंगे मेरा, तो अभी देखता हूँ लॉकडाउन के बाद। यार जब मैं वो जो सर मुंडन किया था पूरा एकदम प्लेन शेप हेड शेप कर दिया था पूरा, उस समय के बाद मैं अभी तक मतलब लॉकडाउन के बाद आज जाके काटूंगा बाल, तो उसके बाद बाल नहीं काटा था क्योंकि पूरा शेप कर दिया था, तो आज बाल काटने वाला हूँ। ये देखिए मेरा बाल इतना बड़ा हुआ है, तो अभी काटता हूँ, काटने के बाद देखता हूँ कैसा लगता है आज फिर, तो अभी शुरू करेंगे भैया बाल काटना। भैया हाय बोल दीजिए। भैया का नाम क्या है? अशिम शिल। तो अशिम भाई मेरा बाल काटेंगे अभी, तो चलिए देखते हैं अशिम भाई कैसे बाल काटता है, तो थोड़ा स्टाइलिश वैलिश कर दीजिएगा अच्छे से। ओके आप अभी देख सकते हो असीम भाई बाल काटना शुरू कर रहे हैं, तो ट्रिमर से काटेंगे पहले एकदम साइड में, मैंने एक स्टाइल दिखा है उनको ऐसा स्टाइल, वो अच्छे से ही कर देंगे, तो चलिए असीम भाई शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत दिन बाद बाल काट रहा हूँ लॉकडाउन के बाद, जो टकला हो गया था इसके बाद, वो वाला वीडियो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, तो ये वीडियो भी आप लोग देखना और बताना दोस्तों इस बार मैं कैसा लग रहा हूँ और मेरा हेयर कट कैसा हुआ वो बताना आप लोग। फिलहाल आप लोग देखिए अशिम भाई मेरा बाल काट रहे हैं। तो माफ़ कीजिएगा मैं किसी को ला नहीं पाया क्योंकि मैं अपने काम से वापस आ रहा था, तो यहाँ पे चेन्नई जेंट्स पार्लर में अभी हेयर कट कर रहा हूँ, तो इसलिए मोबाइल अभी यहाँ पे भी सभी लोग बिजी है, कोई मोबाइल नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो अभी सामने रखा हूँ और जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों करीब 6 महीने बाद बाल काट रहा हूँ, टेक्नो होने के बाद अभी फिर I'm the desert.
तो ये हुआ है दोस्तों नया स्टाइल, देखिए आप लोग मेरे लिए नया, शायद आप लोग कर चुके होंगे पहले तो आप लोग बताना मेरे को दोस्तों कैसा हुआ है स्टाइल। पर खासकर रशीम दा ने काटा है मेरे बाल, स्टाइल करके दिए है उन्होंने, तो रशीम दा को भी बहुत थैंक्स। तो ये देखो दोस्तों मेरा बाल काटना हो गया, रशीम भाई ने पूरे अच्छे से काट दिया, पूरा अच्छा लग रहा है, लुक बहुत चेंज हुआ है। तो पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत बेटर लग रहा है, क्योंकि बाल बहुत बड़ा हो गया लॉकडाउन के बाद, जब मैंने पूरा हेड शेप किया था उसके बाद मैंने बाल नहीं काटा, तो आज जाके करीब 6 महीना हो गया होगा, 6 महीने बाद आज जाके मैंने एक नया स्टाइल के साथ बाल हेयर कट किया। तो वसीम भाई आप थोड़ा और एक बार, चलो वसीम भाई आप दिखा दो, आप काटे थोड़ा स्टाइल दिखा दो यार। ये देखिए आप लोग, असीम भाई ने काटा है, असीम भाई घुमा के नीचे वाला स्टाइल ही दोस्तों, ये वाला स्टाइल ही आज तो मैंने खास कर देखा है असीम भाई को, असीम भाई ने जैसे काट लिया है पूरा स्टाइल कर दिया। और देखो इस साइड में भी देखो, ठीक है ना असीम भाई, आज मेरे बाल एकदम काट लिया है पूरा, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि बाल बहुत बड़ा हो गया था। तो आज असीम भाई के यहाँ पे पहली बार आया हूँ, यहाँ चेन्नई जेंट्स पार्लर, जो बहुत अच्छा ही लगा मुझे, मेरे एक दोस्त ने बोला कि यहाँ पे जाओ बहुत अच्छे से काट देंगे, अच्छे अच्छे दोस्त है। तो यहाँ पे आके असीम भाई से मुलाकात हुआ, असीम भाई अच्छे से बाल काट दिए एकदम, मुझे वीडियो करने में भी बहुत मदद किया है, तो अभी भी कर रहे हैं, असीम भाई मोबाइल लेके कर रहे हैं तो सबसे पहले तो असीम भाई को बहुत बहुत थैंक यू, असीम भाई ने अच्छे से एकदम बाल मेरा कट काट के नया स्टाइल दिया है, तो असीम भाई बहुत बहुत थैंक यू आपको। तो यार आप लोग भी अगर आस पास में कहीं पे हो तो यार चेन्नई जेंट्स पार्लर में आओ, एकदम अच्छे से तुम लोगों को अच्छा अच्छा स्टाइल करके एकदम बाल काट देंगे,
तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को अच्छे से हेयर स्टाइल कर देंगे। तो आज के वीडियो दोस्तों यहाँ पे ही रोकते हैं, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हेयर कट का वीडियो को आप लोग लाइक करना, कमेंट्स करना कैसा लगा यार मेरा, क्योंकि पहले एक अलग लुक था, अभी लुक थोड़ा चेंज हुआ है, तो कैसा लग रहा है मैं बताना यार दोस्तों आप लोग। और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दिल हर्ट हृदय चैनल इस चैनल का नाम है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोग अगर बेल आइकन दबा दोगे। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ तक ही, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।